चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के लेक्चर नंबर 6 में साउंड वेव्स। और आज के हम लेक्चर में चर्चा करना चाहेंगे स्टैंडिंग वेव्स पर एक बार फिर से। लेकिन ये स्टैंडिंग वेव्स जो है इस बार कहाँ पर होगी, कैसे होगी, वो हमें आज डील करना है। तो स्टैंडिंग वेव्स के बेसिकली हमने 3 या 4 लेक्चर किए थे, तो वही कंसेप्ट पर आधारित रहेगा जो आज का हेडिंग है, क्या स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि स्टेशनरी वेव हमने क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, और उसके आगे की चर्चा हम करते रहेंगे कंटिन्यूसली। तो आइए, स्वागत है आपका। यहाँ मैंने स्टैंडिंग वेव का डेफिनेशन लिखा है वही जो हमने पढ़ रखा था, क्या If two longitudinal waves of same frequency, same amplitude travel through a medium in the opposite direction, then standing waves are produced. क्या है कि अगर दो वेव हैं, पहली वेव दूसरी वेव, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, अगर फ्रिक्वेंसी सेम है दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू 2πf, तो ओमेगा भी क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसी दो वेव जब एक ही मीडियम में है, ये किसी एक ही मीडियम में है, एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तब हमने कहा था कि हाँ स्टैंडिंग वेव बनती है। ठीक, ये पहला तरीका था हमारा कहने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो भी देखिए। दूसरा तरीका ये था, इफ वी आर हैविंग टू फिक्स्ड एंड्स, दो फिक्स्ड एंड हैं अपने पास जिनके बीच में एक स्ट्रिंग को हमने कनेक्ट किया। अब अगर स्ट्रिंग को यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर हमने अगर प्लग किया, प्लग करके छोड़ दिया, तो क्या होगा, इट विल वाइब्रेट, ऐसा ऐसा है ना, जो बचपन में आप खिलौने खेला करते थे कि बीच में अगर थ्रेड बांध दो, ऐसे खींचो, फिर वो क्या करता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करता है। तो वाइब्रेशन ऐसे करेगा तो एक वेव ऊपर बनती हुई दिखाई देगी और दूसरी वेव एक नीचे बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इसे हमने कहा था स्टेशनरी वेव। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा था कि इसकी जो कंप्लीट एनर्जी है इट विल कन्फाइंड इन बिटवीन दिस रीजन, यानी कि इसी रीजन के अंदर वो पूरी एनर्जी रहे कि वो कहीं और जगह नहीं जा सकती, बिकॉज इट्स ए स्टेशनरी वेव, क्योंकि एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होता, एनर्जी केवल ऑसिलेट होता है अपनी पर्टिकुलर पोजिशन पर। चलिए, अगर ऐसा था तो हमने कहा था कि ये जो है नोड रहने वाला है, और ये क्या रहने वाला था, ये भी नोड रहने वाला है, क्योंकि नोड का मतलब क्या है, जो फिक्स हो, जिसका एम्पलीट्यूड जीरो हो, और जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो वो क्या था, एंटी नोड था। यहाँ तक ठीक। और हमने साथ ही साथ ये भी चर्चा की थी कि नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, लेमडा बाय 2 होता है, और नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है लेमडा बाय 4। तो कीपिंग इन माइंड कि भाई लेमडा बाय 2 और लेमडा बाय 4 होता है क्या, जो बीच का डिस्टेंस है दो कंसेक्यूटिव नोड्स और दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस, हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इस पर आते हैं वापस कि ये तुमने दो तरीके पढ़े थे कि हाँ स्टैंडिंग ऐसे बनती है मैथमेटिकल इक्वेशन, और एक तरीका हमने स्ट्रिंग में ये भी देखा था, उसके बाद फंडामेंटल, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, बहुत सी चीज़ें आई थी, तो वो भी चीज़ें आएगी, चिंता ना कीजिए। अब देखते हैं इसमें कि जो चर्चा हम करना चाह रहे हैं क्या, साउंड वेव्स के लिए। Now we are having a medium of air molecules. अपने पास medium है कौन सा, air molecules का medium है, बहुत बढ़िया, इससे अच्छा medium तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसी में आप जिंदा रह सकते हैं, दूसरे medium में आप जिंदा नहीं रह सकते। चलिए, तो ये पहली एक sound wave है, ये पहली sound wave है, sound wave means longitudinal wave, sound का मतलब क्या है, longitudinal wave, और ये भी क्या है, साउंड वेव है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव। हम दो ऐसी वेव की बात कर रहे हैं, यानी कि इफ टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ये दो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जिनका फ्रीक्वेंसी सेम है, ओके, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है दैट मीन्स ओमेगा इज सेम, यस यू आर राइट, आपने सही दिमाग लगाया है कि ओमेगा सही है, ओमेगा सेम है, सही क्या, सही तो मैं हूँ और आप हैं। इफ टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड, उनका एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम। तो मान लेते हैं इसका यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है पी नोट,
प्रेशर, ओके, और यहां पर प्रेशर क्या है, पी नॉट एम्पलीट्यूड, ओके, ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम, तो ये मीडियम है, एयर मीडियम है जिससे कि जिसके थ्रू ये ट्रेवल कर रही है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए, कर भी रही है, एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, दूसरा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो उसने कहा है कि देन स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस। तो हम थोड़ा सा मैथमेटिकल में पहले ध्यान देंगे, देन वी विल कम टू द प्रैक्टिकल फिनोमिना कि हाँ क्या होती है क्या नहीं, छोटा सा ये मैथमेटिकल, चिंता नहीं कीजिए। अब इसको मैंने कहा इट्स ए वेव P1, प्रेशर को डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि साउंड वेव मीन्स क्या है, पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर लग रहा है, प्रेशर का डिस्टर्बेंस है, वेरिएशन है, जो भी कहे, तो P1, क्या मैं P1 को ऐसा लिख दूं, P1 इज इक्वल टू P0 साइन ऑफ ωt-kx, ऐसा लिखा जा सकता है। ऑपोजिट साइन मीन्स पॉजिटिव x डैश में जा रही है, साइनोसॉइडल हमने माना है, और P0 इसका एम्पलीट्यूड मैंने कहा था, है ना। चलिए अगला, दूसरा वेव इसका P2 कैन बी रिटन एज P2 इक्वल टू P0 साइन ωt-kx, करेक्ट, सही, कैमरा चेक किया मैंने, चल रहा है कि नहीं। नाउ जब एक वेव इधर से जाएगी, दूसरी वेव इधर से आएगी, तो क्या होगा, दे विल गेट सुपर इम्पोज, यानी कि सुपर इम्पोज होंगे, सुपर इम्पोज कौन से प्रिंसिपल से, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। हाँ, अब तो दुनिया गोल हो गई है, क्यों, क्योंकि यहीं से हमने शुरुआत की थी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन से तीन घटनाएं होने वाली है, फिर से सुपर पोजिशन आ गया। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन हमने कहा था कि अगर कोई दो वेव है Y1 और Y2, तो उनका एड कर दो तो रिजल्टेंट पता चल जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। तो अपने पास दो वेव है, कौन सी, P1 और P2, क्या कर देंगे, सिंपल एडिशन कर देंगे, सो P इक्वल टू P1 प्लस P2 कर दें, क्या आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी P0 साइन ωt-kx प्लस P0 साइन ωt-kx, है ना, सही है, इतना लिखो, मैं मिटा देता हूँ इसे, ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, मुझे विश्वास है कि 50% स्टूडेंट इस डायग्राम को बनाएंगे, बाकी सोचेंगे इतना घटिया डायग्राम बना के कोई फायदा नहीं है। लेकिन समझने के लिए घटिया डायग्राम ही काम में आते हैं। P इक्वल टू P0, P0 कॉमन ले लिया, प्लस साइन ωt-kx, केवल इक्वेशन फाइंड करेंगे, उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे कोई मैथमेटिक्स नहीं, केवल इक्वेशन तक ही, ठीक है, केवल और केवल इक्वेशन तक ही हम अपने आप को लिमिटेड रखेंगे, उसके बाद आगे मैथमेटिकली नहीं बढ़ेंगे। तो P इक्वल टू, ये क्या बन गया स्टूडेंट, देखो मैं याद दिलाता हूँ कुछ 11th क्लास मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स वालों को आती है, नीट वालों के लिए याद दिला देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 एंड कोस ऑफ सी माइनस डी बाय 2, ऐसा याद आ रहा है, अरे कई बार बता दिया है, देख ऐसे रहे हैं जैसे कि पहली बार देखा है फॉर्मूला। पी इक्वल टू पी नॉट क्या जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, ये पूरा क्या है, सी है, ये पूरा क्या है, डी है, अच्छा ये प्लस है, प्लस से मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया माइनस, तो क्या आ जाएगा, सी प्लस डी बाय 2 दैट मीन्स 2 ओमेगा टी बाय 2, अरे इसको प्लस सी प्लस डी करना, प्लस के एक्स माइनस के एक्स कट जाएगा ना भाई, कटेगा ही, आप चाह कर के उसे नहीं रोक सकते। ये क्या आ जाएगा, देखो ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस का ओमेगा टी प्लस का के एक्स डिवाइड बाय 2, ये देखो कट गया, ऐसे कटेगा 2 से 2 खत्म। तो P इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ जो रिजल्ट आने वाला है, 2 साइन ओमेगा टी कोस के एक्स, 2 से 2 ये भी कट जाएगा, के एक्स और के एक्स कितना होगा, 2 के एक्स, 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, के एक्स। चलिए फाइनल आंसर, P इक्वल टू 2 P0
कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। अरे ये तो धुंधला धुंधला सा कुछ याद आ रहा है मुझे भी, क्या उम्मीद है आपको भी याद तो नहीं आएगा। मैं याद दिलाता हूँ, देखिए कि वेव मोशन के अंदर जब हमने स्टेशनरी वेव का लेक्चर स्टार्ट किया था तो ऐसी दो वेव बताई, इधर जा रही है y1 वाली, इधर जा रही है y2। तो y1 इक्वल y1 प्लस y2 किया था, समथिंग लाइक दैट। तो फाइनली हम क्या मिला था, y इक्वल टू 2a cos kx sin ओमेगा t। याद आया कुछ? तो वो पूरा क्या था, एम्पलीट्यूड। तो ये पूरा क्या है, इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ ए रिजल्टिंग वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग स्टैंडिंग वेव। अच्छा, अगर ये एम्पलीट्यूड है तो ये एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है, टू कॉन्स्टेंट पी नॉट हमने जो लिया वो कॉन्स्टेंट है, इट्स डिपेंड ऑन पोजिशन। ओके, सो विच डिपेंड्स अपॉन पोजिशन एक्स। Which depends on position x। तो इस तरह से हमें क्या मिल गई है, स्टैंडिंग वेव का एक इक्वेशन मिल गया कि बस ये स्टैंडिंग वेव बनेगी। अब इसका क्या रोल है, किस में क्या पढ़ना, उस पर भी आ रहे हैं। हमें मैथमेटिक्स यहीं पर खत्म होती है, अपनी मैथमेटिक्स यहीं पर खत्म होती है, लिख लीजिए इतना। चलिए बढ़ा जाए, बढ़ते हैं। चलिए तो p इक्वल टू 2p0 cos kx sin omega t समथिंग लाइक दिस, वी हैव गॉट द इक्वेशन विच इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव फॉर लॉन्गिट्यूडनल केस। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव हम कंसिडर करते हैं तो प्रेशर को ले लेते हैं बस, फर्क इतना ही। चलिए अगर इतना ही फर्क है तो क्या करें, सबसे पहली बात तो ये है स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। Standing longitudinal waves, तो अपना यह heading complete हुआ, standing longitudinal waves। Okay, now vibration of air column क्या है। अब जो standing longitudinal waves है वो हमें पढ़नी है किसके लिए, organ pipes के लिए। तो our next heading is organ pipes, और वहीं पर आपका यह point भी clear होगा। ठीक है, तो heading लगाएंगे organ pipes। अगला अपना है ऑर्गन पाइप, डेफिनेशन मैंने लिखा है जो अपने स्टेट बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण कि ऑर्गन पाइप्स क्या है क्या नहीं है। तो मैं समझाता हूँ इसे, पहला पढ़ के देखते हैं क्या समझ में आता है पढ़ने से। एन ऑर्गन पाइप इज ए विंड इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूसेस म्यूजिकल साउंड बाय सेटिंग द एयर कॉलम इन टू वाइब्रेशन। यानी कि ये कोई एक विंड इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, म्यूजिकल साउंड जनरेट करता है बाय सेटिंग द एयर कॉलम इनटू द वाइब्रेशन। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, देखते हैं अगला डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं। एन ऑर्गन पाइप इज ए साउंड प्रोड्यूसिंग एलिमेंट व्हेन प्रेशराइज्ड एयर ड्रिवन थ्रू इट, व्हेन प्रेशराइज्ड एयर इज ड्रिवन थ्रू इट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा आपको पहले कि फ्लूट शहनाई जरूर आपने देखी होगी, बजेगी भी अगर देखिए तो, लेकिन सैक्सोफोन ETC आर एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गन पाइप। तो फ्लूट वगैरह आपने देखा है, कृष्ण जो बांसुरी बजाते थे, शहनाई जो विवाह शादी में बजती है, उम्मीद है आपकी शादी में बजेगी, एंड सैक्सोफोन, सर्च करके देखना पता चल जाएगा सैक्सोफोन क्या है, और ऑर्गन पाइप्स। तो ये सभी क्या है, ऑर्गन पाइप्स के कंसेप्ट पर वर्क करते हैं। तो देखा जाए तो क्या है ये, तो फ्लूट में आपने देखा होगा फ्लूट क्या है, जैसे बांसुरी की हम बात करते हैं, फ्लूट की हम बात करते हैं, तो फ्लूट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, वुडन पीस यानी वुड से मिलकर बना है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। थोड़ा सा ये हो सकता है क्लोज भी रहता है ऐसा कुछ, है ना, पूरी तरह से ओपन नहीं रहता है, और यहाँ पर बीच बीच में कहीं पर होल भी बनाए जाते हैं। सही, अब इसमें हम क्या करते हैं,
यहां पर एक बंदा आता है और वो क्या करता है, उसे अपने मुंह के पास टच करेगा, टच करेगा क्या होगा, इट पासिंग ए विंड, वो क्या कर रहा है, विंड पास कर रहा है, विंड पास कर रहा है यानी कि वो विंड को अंदर भेजने की कोशिश कर रहा है। अब आओ इस पर, एन ऑर्गन पाइप इज ए साउंड प्रोड्यूसिंग एलिमेंट व्हेन प्रेशराइज्ड एयर। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट और शहनाई को जब हम बजाते हैं तो हवा को प्रेशराइज करके अंदर भेजते हैं, ठीक है, इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर भेज रहे हैं, किसको, एयर को, कैसे, बाय प्रेशराइजिंग इट, ठीक है। तो प्रेशराइजिंग, प्रेशराइज्ड विंड को अंदर भेजा हमने, अब अंदर भेजने से क्या हुआ, इट विल प्रोड्यूस ए साउंड, इट विल प्रोड्यूस ए साउंड। तो बस ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है ऑर्गन पाइप का कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ये ठीक है कि ऑर्गन पाइप क्या होगा, कुल मिलाकर के एक लॉन्ग ट्यूब, सिलेंड्रिकल ट्यूब होगा, ठीक है ना, एन ऑर्गन पाइप इट्स ए स्ट्रक्चर लाइक सिलेंड्रिकल ट्यूब। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर और इस पर आते हैं। तो बेसिकली क्या है, ऑर्गन पाइप होगा एक सिलेंड्रिकल, ऑर्गन पाइप इज ए होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब, होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब, करेक्ट, जो क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है, कब, जब उसमें एयर को आप पास करवाते हैं, ठीक है। एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल देते हैं आपको, एग्जांपल ये रहा, जैसे ये एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर अपने पास, खोखला पेन है ना, इधर भी ओपन इधर भी ओपन, अब इसमें अगर मैं क्या करता हूँ, हवा पास करता हूँ, देन इट विल क्रिएट अ साउंड। तो ये क्या है, ऑर्गन पाइप है, जैसे ये, इसमें यहाँ से आप हवा फील कीजिए, थोड़ी बहुत अलग से साउंड आएगी, साउंड से देखने से इट कैन बिहेव एज ए ऑर्गन पाइप, ठीक है, यानी कि ऑर्गन पाइप प्लास्टिक से भी बना हो सकता है, पेपर से भी बना हो सकता है, एंड ऑल्सो ऑफ ए प्लास्टिक। तो जैसे ये लिया मैंने, ये तो बहुत आसान है, आप घर पे भी करते, देखना घर पे करके देखना, एक मुंह इसका ओपन है, इसमें हवा क्या कीजिए, आप पास कीजिए, आवाज़ें आएगी, आती है ना, तो वो क्या है, वो जो साउंड क्रिएट होती है, दैट इज समथिंग ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गन पाइप, ठीक है ना, इतना समझ में आया। तो बेसिकली ऑर्गन पाइप एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड क्रिएट करता है, कैसे, जब उसके अंदर जो एयर कॉलम है उसको वाइब्रेशन में सेट किया जाए, कैसे करेंगे, वी विल कम टू द पॉइंट। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब ये ऑर्गन पाइप जो है वो होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, दूसरा किससे बना होता है, जनरली इट्स मेड अप ऑफ, जनरली ऑर्गन पाइप आर मेड अप ऑफ मेटल और वुड, मेटल और वुड से बना होता है ना, जैसे हम देखते भी बांसुरी वगैरह जो होती है वो किससे, लकड़ी से बनी होती है, बट इन रेयर केस, रेयरली इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ए प्लास्टिक, पेपर एंड यू कैन से स्टोन ऑल्सो, ठीक है ना, इनसे भी बनी होती है, तो वो रेयर केस में, लेकिन इन जनरल हमें मेटल और वुड से बनी हुई आराम से मिल जाएगी। ये तो हुई ऑर्गन पाइप का इंट्रोडक्शन। अब बात आती है कि ऑर्गन पाइप कहते क्यों है, इसे ऑर्गन पाइप कहते क्यों है, क्या किसी ये ऑर्गन से मिलकर बना होता है, क्या किसी ह्यूमन ऑर्गन से बना है, नहीं, ये ह्यूमन ऑर्गन से भी नहीं बना है, क्या किसी एनिमल ऑर्गन से बना है, नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका नाम बेसिकली हुआ इस वजह से ऑर्गन, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री क्रिएट हुआ था तब ये मेम्ब्रेन से बना था, ठीक है, और मेम्ब्रेन की वजह से इसे नाम दिया गया था ऑर्गन पाइप, बट नाउ इट इज मेड अप ऑफ ए मेटल और वुड। तो नाम क्यों है, डजंट मैटर, कंसेप्ट क्या है वही मैटर करता है। फिर भी हमने बता दिया कि थोड़ा अजीब सा नाम, इसलिए बताना जरूरी था। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ये ऑर्गन पाइप जो है वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो ऑर्गन पाइप दो तरह के हो सकते हैं, कैसे कैसे, एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप, दूसरा होता है क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन मतलब हो गया कौन सा, दोनों तरफ से जो ओपन हो, और क्लोज मतलब हो गया जो दोनों तरफ से क्या हो, क्लोज, नहीं,
दोनों तरफ से क्लोज नहीं होगा, वो एक ही तरफ से क्लोज होगा। देखिए कैसे। सो इट हैज टू टाइप्स, ओपन ऑर्गन पाइप्स एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। वैसे अपने सिलेबस में यही दो टाइप के पाइप्स हैं, बाकी की चिंता हमें नहीं करनी है। तो एक होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब लीजिए, ये ओपन, इधर से भी ओपन, इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है। तो ये क्या हो गया, ओपन ऑर्गन पाइप हो गया। चाहो तो इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, इधर ओपन इधर भी ओपन। तो हम एक ही लेके चलते हैं, ऐसे ही दिखाएंगे हर जगह, ठीक है ना। बुक्स में ऐसे भी दिखाया रहता है, वर्टिकल में, दैट डजंट मैटर। तो क्लोज कैसा होगा, क्लोज ऐसा होगा जिसका एक एंड क्या हो, क्लोज हो। सो व्हेन बोथ एंड्स आर ओपन, व्हेन बोथ एंड्स आर ओपन, इट इज सेड टू बी एन ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। अगर इफ बोथ एंड्स आर क्लोज्ड, सॉरी बोथ नहीं, इफ वन एंड, बोथ वाला अपने नहीं है, ठीक है ना। सो व्हेन वन एंड, ये वन एंड, ये क्लोज कर दिया हमने, वन एंड इज क्लोज, ये ओपन है, ठीक है ना, ये ओपन है। व्हेन वन एंड इज क्लोज्ड, देन इट इज नोन एज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और इन्हीं ऑर्गन पाइप्स में हमें स्टैंडिंग वेव्स की चर्चा करनी है, यही बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। चलिए तो ये डायग्राम बना लीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट मी चेक कैमरा, यस दौड़ रहा है ये। तो ऑर्गन पाइप दो तरह के हो सकते हैं, किससे मिलकर बना हुआ है वो भी हमने देख लिया, क्या काम है, साउंड क्रिएट करता है, कैसी साउंड, क्या साउंड होगी, वो सारी चर्चा अब हम करने वाले हैं। तो देखिए, एक है अपने पास ओपन ऑर्गन पाइप, दूसरी तरफ है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओके ना। अब अगर इसके अंदर हम एयर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर अगर आप एयर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो बात करने के लिए हमें सबसे पहले प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट की थोड़ी सी चर्चा कर लेनी चाहिए। क्या चर्चा है कि वी हैव स्टडीड इन लेक्चर नंबर 4 रिलेशन बिटवीन प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव। डायरेक्ट रिजल्ट याद दिलाता हूँ, है ना। उसमें डिस्प्लेसमेंट वेव का जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा था, सही ना, और जो प्रेशर वेव का ग्राफ था वो कुछ ऐसा था, करेक्ट, कुछ ऐसा ही था। मैंने थोड़ा मिस्टेक बना दिया, मैं इसी में बना दूँ, इसी में नहीं बनाएंगे। चलिए ये है पाई बाय टू, और ये कितना 180, ये 270, ओके। सो जीरो से पाई बाय टू, पाई इज 270 एंड देन इट्स 360। देखिए अब स्टैंडिंग वेव की चर्चा हम करते हैं, मैं आपको यहाँ पर केवल आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे इसको यूज करने वाले हैं। देखिए ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है प्रेशर। एक चीज हमने जो पता की, बोथ आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। चलिए उसी का रोल क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री के एंगल पर मैक्सिमम है, ठीक, तब प्रेशर क्या है, 0 है, सही है। यानी कि जहां जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसे एंटी नोड कहते हैं, ऐसा हमने पढ़ा। हालांकि स्टैंडिंग वेव नहीं है, लेकिन मैं केवल एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा बनेगा जो यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। यहाँ से हमें हेल्प मिल जाएगी, क्या कि डिस्प्लेसमेंट ये एंटी नोड है जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और यहाँ एम्पलीट्यूड इसका प्रेशर का 0 है, तो ये क्या है, नोड है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, तो ये नोड बन गया, ठीक। जहाँ पर ये 0 है वहाँ पर प्रेशर का क्या है, एंटी नोड है। सो मैं जो बताना चाह रहा था वो ये, इन फैक्ट
जहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है वहां पर प्रेशर का नोड होगा, ठीक है। जहां पर डिस्प्लेसमेंट का क्या है एंटी नोड, वहां पर प्रेशर का नोड, और जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड है वहां प्रेशर का एंटी नोड। अब मैं इसे लिख देता हूं, ये वाला, ये आप लिख लीजिए, काम आएगा आपको, इसी पर सारी दुनिया घूमेगी, आज के लेक्चर की दुनिया। चलिए, तो इनफैक्ट, इनफैक्ट नहीं है ये, इनफैक्ट लिखा हुआ ना, तो इनफैक्ट क्या है कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है, एंटी नोड का मतलब डिस्प्लेसमेंट मिक्स, वहां पर प्रेशर का क्या होगा नोड होगा, जस्ट उल्टा। तभी तो वो क्या होते हैं 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, एक दूसरे का उल्टा ही रहेगा हमेशा। और जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड है वहां प्रेशर का क्या रहेगा एंटी नोड। यहां तक ठीक? ये तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा होगा, तो यहां पर हम चर्चा करेंगे कैसे, हम चर्चा करेंगे अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके, चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट में देखिए क्या कि ओपन ऑर्गन पाइप, एग्जांपल अपने पास है, गेरा, ये ओपन ऑर्गन पाइप, इधर से ओपन, इधर से भी ओपन, मान लो ओपन ही है, इसके बीच में क्या है एयर मॉलिक्यूल्स है पूरे सिलिंड्रिकल ट्यूब में, है ना। तो थ्रू आउट द सिलिंड्रिकल ट्यूब इट कंटेन्स एयर मॉलिक्यूल्स, ये ओपन है, ये भी ओपन है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, यानी कि वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल। अब यहां पर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं क्या उन्हें कोई रोकने वाला है ऑसिलेशन करने से, वाइब्रेशन करने से? नहीं, ये ओपन है, दैट मीन्स दे कैन ऑसिलेट मैक्सिमम एज द कैन, ठीक है ना। तो अगर वो मैक्सिमम ऑसिलेशन कर सकता है तो यहां बनेगा एंटी नोड। क्या बनेगा? एंटी नोड। तो जहां पर कोई रोकने वाला नहीं है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम है तो एंटी नोड। यहां पर भी ओपन है, ओपन है तो इसे यहां कोई रोकेगा क्या? वाइब्रेशन को नहीं रोकने वाला, तो डिस्प्लेसमेंट यहां भी मैक्सिमम रहेगा, ये बनेगा एंटी नोड। देखते जाए, समझ में आएगा, डोंट वरी। अब अगर ये एंटी नोड है, एंटी नोड है, तो हमें पता है कि दो एंटी नोड के बीच में एक नोड हमेशा रहता ही है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये स्टैंडिंग वेव ऐसे बनेगी, और बीच में क्या बन गया एक, ये नोड, ये फंडामेंटल टाइप। ये चीज समझ में आई है तो आपका काम बन गया। फिर से बता दे रहा हूं कि जहां मुंह ओपन है, हम डिस्प्लेसमेंट की चर्चा कर रहे हैं, प्रेशर की नहीं कर रहा हूं, जहां ओपन एंड है वहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम है मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, और मैक्सिमम का नाम लिया मतलब वो क्या है एंटी नोड। यहां पर भी ओपन एंड है, एम्पलीट्यूड यानी कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, तो वो एंटी नोड है, और दो एंटी नोड के बीच में एक नोड बनता ही है। चलिए, अब इसमें आते हैं, जहां पर क्लोज्ड एंड है, जहां पर क्लोज्ड एंड है, ये क्लोज एंड है, चलिए ये तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हुआ, जहां पर ये ओपन है, क्या ओपन है? ओपन है तो पार्टिकल का वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा, एंटी नोड बनेगा। चलिए, तो यहां पर एंटी नोड बनेगा, बनने दो, लेकिन यहां ओपन नहीं है मतलब वो मैक्सिमम वाइब्रेशन नहीं देगा, तो उसे हम क्या मानेंगे? नोड मानेंगे। तो इसे हम कहेंगे नोड, क्योंकि अब ये उतना वाइब्रेशन नहीं कर सकता जितना करना चाहिए, तो वी विल कंसिडर इट एज ए नोड, ठीक है ना। तो वी विल कंसिडर इट एज ए नोड। तो इनफैक्ट ये तो हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड जहां पर वहां प्रेशर नोड है, करेक्ट, और जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड है वहां पर प्रेशर का एंटी नोड, उल्टा कर देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने बात की अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये जो सारी कहानी मैंने दिखाई है किसके लिए दिखाई है? डिस्प्लेसमेंट के लिए दिखाई है। चलिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट, अब क्या करें? अब ये करो कि ये तो था ओपन, ओपन ऑर्गन पाइप, तो ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर ये एंटी नोड, ये नोड बन गया। चलिए, तो ये हो गया सबसे बेसिक, ये हो गया फंडामेंटल, ये हो गया फंडामेंटल।
तो ये तो था केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑर्गन पाइप का कि स्टेशनरी वेव कैसे बनेगी, ठीक है। अब वन बाय वन हम दोनों का डिस्कशन करेंगे इन डिटेल कि हाँ ये कैसे आया, ये कैसे आया, सारी चीज़ें, ठीक है। ये लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहले क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हमने क्या देखा क्या नहीं देखा वो भूल जाइए और इन डिटेल चलते हैं। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब एक ही था कि एक साइड ओपन रहेगा, एक साइड क्लोज। जहां दोनों साइड क्लोज हो वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा कुछ रहेगा, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एक तरफ से क्लोज हो गया, एक तरफ से ओपन हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट की मैंने कहा कि जहां मुंह ओपन है वहां डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम है तो वो क्या होगा, एंटीनोड, करेक्ट। और जहां पर इसका मुंह क्लोज है वहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट का नोड, तो एक कहानी और नोड डाल के लिख लेंगे क्या। क्लोज्ड एंड का मतलब हो गया, क्लोज्ड एंड का मतलब क्या है, क्लोज एंड मतलब डिस्प्लेसमेंट का वो क्या है, नोड है, डिस्प्लेसमेंट नोड, डिस्प्लेसमेंट का नोड है। दूसरा ओपन एंड जहां पर है, ओपन एंड जहां पर है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है। ठीक, अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट का नोड और एंटी नोड है तो ठीक, अब इसके उल्टी बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जहां पर है वहां प्रेशर का क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट का नोड है तो प्रेशर का क्या होगा, यहां पर एंटी नोड। हमें याद रखना है डिस्प्लेसमेंट को, ना कि प्रेशर को। प्रेशर उल्टा होता है, बस ये दिमाग में रखो। डिस्प्लेसमेंट का जहां एंटी नोड है वहां प्रेशर का क्या होगा, नोड होगा। बस ये कहानी याद रखेंगे। चलिए अब खत्म करते हैं इसे। तो नोड है मतलब ये जीरो, ये ऐसे बढ़ गया, करेक्ट। चलिए, लेट सपोज द कंप्लीट लेंथ ऑफ ए सिलिंड्रिकल ट्यूब इज एल। नाउ टेल मी कि नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है स्टूडेंट, लैम्डा बाय 4। बस खत्म हो गया क्या, कि लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट, मैं यहां लिख दूं, इसे मिटा दे रहा हूं, मिटा दें, चलिए रहने दीजिए। लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल, लैम्डा इक्वल टू क्या जाएगा, 4L, करेक्ट। नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, F इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है, F लैम्डा। तो F इक्वल टू व्हाट, V बाय लैम्डा। नाउ F इक्वल टू V क्या है, स्पीड है, किसका, साउंड वेव का, कहां पर, मीडियम के अंदर, कौन से मीडियम, यहां पर। चलिए लैम्डा इक्वल टू कितना आया, लैम्डा इक्वल टू 4L यहां पुट कर दें, V अपॉन 4L। तो ये सबसे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो हमें मिली है कि एक इस तरह का वाइब्रेशन अगर आप सेट करते हैं एयर कॉलम, इसे कहेंगे एयर कॉलम क्योंकि इसके अंदर क्या है, एयर फिलअप है, ठीक है। चलिए, तो दिस वन इज नोन एज एफ नॉट, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन फॉर ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। चलिए अब मुझे बताइए, अगर आपको कहता कि यही कहानी प्रेशर के लिए बताइए, यही कहानी प्रेशर के लिए बताइए, तो क्या करते, तो ये करना था कि सिंपल ये फिर से बना दो, बनाया। जहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड है वहां प्रेशर का क्या होगा, एंटी नोड। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे ये प्रेशर की कहानी, ठीक। तो प्रेशर का यहां क्या होगा, एंटी नोड होगा, तो ये एंटी नोड होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है तो यहां प्रेशर का नोड, यानी कि कुछ ऐसा, सही है। ये प्रेशर का एंटी नोड और ये प्रेशर का नोड, बस उल्टा कर देना था, आई बात समझ में। चलिए, यानी कि हर बार उल्टा कर देना है, तो मैं हर बार ये ग्राफ नहीं बनाऊंगा, ये डायग्राम नहीं बनाने जा रहा, हम हर बार केवल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे क्योंकि रिजल्ट सेम ही आएगा हर बार। ओके ओके देन, चलिए तो फर्स्ट केस ये जो मैं बता रहा हूँ ये लिख लेना है, और अपने स्टेट बोर्ड के लिए क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। जितना हमें इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं उससे कहीं ज्यादा। तो एफ नोट अपने पास कितना आया, इट्स कम्स आउट टू बी वी अपॉन 4L, ये फंडामेंटल है,
करेक्ट। चलिए ये तो था फर्स्ट, नाउ सेकंड केस। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, सेकंड हम ये कर सकते हैं बीच में एक लूप बना दें, है ना, वही कर सकते हैं। चलिए अरे वैसा ही करना भी जैसा हम पिछली बार स्टैंडिंग वे में करते हैं। तो क्या करेंगे, देखो नोड और एंटी नोड तो यहां तो रहना ही, डिस्प्लेसमेंट है, तो बीच में बस एक लूप बना देंगे क्योंकि स्टैंडिंग वेव है, कि इस तरह का वाइब्रेशन सेट करेंगे, बस हो गया। क्या कि ये बन गया नोड, ये बन गया एंटी नोड, ये बन गया फिर से एंटी नोड, सही है। चलिए अब बताओ नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना, लैम्डा बाय फोर। नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना, लैम्डा बाय फोर। नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना, लैम्डा बाय फोर। और टोटल लेंथ अभी भी कितनी है, एल है, करेक्ट। तो क्या जाएगा, 3 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल, लैम्डा इक्वल टू 4 एल बाय 3। नाउ वी इक्वल टू एफ लैम्डा, तो एफ इक्वल टू वी बाय लैम्डा। नाउ वी बाय लैम्डा यानी कि 4 एल अपॉन 3, नहीं ऊपर चला जाएगा। तो क्या करें, इसे ऐसा लिख दें 3v अपॉन 4l। तो देखो v अपॉन 4l क्या है, फंडामेंटल है, सो ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा कौन, 3। तो 3 है मतलब थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक है, यानी कि सीधा सेकंड हार्मोनिक गायब हो गई है, गायब हो गई है। इसे हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन, क्या कहेंगे, क्योंकि फंडामेंटल के बाद क्या मिलता है, फर्स्ट ओवरटोन मिलता है। तो दिस वन इज नोन एज ए फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक, और थर्ड हार्मोनिक। चलिए चलिए, तो F1 आ गया अपने पास, फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू 3V अपॉन 4L, ये है अपना फर्स्ट ओवरटोन। चलिए अगली बात करें, वही इसमें प्रेशर वाला आप फिर से कर सकते हैं। अच्छा एक सवाल मन में आ रहा है, क्या क्या ये फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी अलग है, नो डाउट अलग, इसमें पूछने वाली बात क्या थी, तब ये लैम्डा और पहले वाला लैम्डा भी क्या था, अलग था, ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज तो लैम्डा भी चेंज, वैसे भी चेंज क्योंकि लूप हमने सेट जो वाइब्रेशन किया है वो अलग कर दिया ना। चलिए एक और पढ़ते हैं इसमें, तीसरा केस आप समझ गए होंगे, समझदार हैं मेरे ख्याल से, आपने मुझसे पहले ही कर लिया होगा, देखें जरा किया है कि नहीं। तो ये है लेंथ L, ओके, तो ये तो नोड रहेगा ही और ये एंटी नोड रहेगा ही डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब क्या करेंगे, दो लूप ले आएंगे, पहले एक ही लाए थे, अब दो ले आएंगे, कमाल हो गया है कि नहीं। एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, नोड, नोड। देखिए नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, एंड हेयर अगेन इट्स लैम्डा बाय 4। कितनी बार है, 5 टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल। बस लेंथ वही रख रहा हूँ, लेंथ वही रख रहा हूँ, केवल लैम्डा चेंज कर रहा हूँ। नाउ लैम्डा इक्वल टू 4L अपॉन 5, सही ना, ओके। अगर ऐसा है तो फ्रीक्वेंसी बताइए, V बाय लैम्डा 4L अपॉन 5, यानी कि इट्स सेकंड ओवरटोन एंड फिफ्थ हार्मोनिक। क्या कहेंगे इसे, सेकंड ओवरटोन एंड फिफ्थ हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन, ओके आंसर। अब देखिए खत्म करते हैं इस कहानी को, बहुत लंबी चल गई है कहानी, सेकंड ओवर टोन देख तो जा रहा है, काफी समय हो गया, मैंने कैमरा भी चेक नहीं किया, दिख जा रहा है, सही है, दिखेगा दिखेगा। चलिए तो ये एफ नोट हो गया, ये एफ वन हो गया और ये एफ टू हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें, रिजल्ट बताइए, अब तो रिजल्ट बताते हैं। रिजल्ट ये है कि इसमें है ये थर्ड हार्मोनिक, इसमें है ये फिफ्थ हार्मोनिक, और ये थी फर्स्ट हार्मोनिक। ये तो क्या थी, फर्स्ट हार्मोनिक यानी कि फंडामेंटल,
फर्स्ट हार्मोनिक यानी कि फंडामेंटल। तो मुझे बताओ क्या A1 हार्मोनिक्स प्रेजेंट है? नहीं, दे आर एब्सेंट। तो वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है स्टेट बोर्ड में, आपको मिलेगा भी क्या, कि प्रूव दैट इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दैट ऑल द A1 हार्मोनिक्स आर एब्सेंट। तो यहां से क्या जाएगा, इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑल द A1 हार्मोनिक्स आर एब्सेंट, आर एब्सेंट। ओनली ओड हार्मोनिक्स आर अलाउड, ओनली ओड हार्मोनिक्स आर अलाउड फ्रीक्वेंसीज। बस हो गया, यही था। अगला हम पढ़ते हैं स्टूडेंट ओपन ऑर्गन पाइप, पढ़ा जाए ओपन ऑर्गन पाइप। तो इसमें भी कुछ खास चेंज नहीं आएगा, देख कंसेप्ट वही रहने वाला है। जहां उसका मुंह ओपन है वहां डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एंटीनोड, और जहां पर मुंह उसका क्लोज है वो क्या है, नोड होगा डिस्प्लेसमेंट का, है ना, ओपन ऑर्गन पाइप। चलिए तो ये है अपना सिलिंड्रिकल ट्यूब। अरे हाँ भाई, यही है, आपके ना कहने से क्या होगा। तो देखिए स्पेशल केस, स्पेशल क्या, सिंपल केस, यहां पर तोड़ेगा वो तो है कि नहीं, हवा है, हवा क्या ओपन है, ओपन है तो एंटीनोड किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ऑल थिंग्स आर कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट हियर ओनली। यहां पर भी क्या होगा, एंटीनोड, दो एंटीनोड के बीच में क्या होता है, एक नोड होगा, बना दिया। करेक्ट, ठीक नहीं बना है, मजा नहीं आ रहा इसमें। मजा तो नहीं पढ़ने में है आप लोगों के लिए। तो नोड और एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस लेमडा बाय 4, ये कितना हो गया, लेमडा बाय 4, और टोटल लेंथ कितना, एल। तो कितना जाएगा, इट कम्स आउट टू बी लेमडा बाय 4 प्लस लेमडा बाय 4 टू लेमडा बाय 4, यानी कि लेमडा बाय 4 प्लस लेमडा बाय 4 इक्वल टू एल, यानी कि लेमडा बाय 2 इज इक्वल टू एल, लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, 2L। सही है, सही है, आप कह रहे गलत हो जाए ऐसा कर। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वी बाय लेमडा 2L। तो इट्स ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना, इट्स ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई अपने पास वी बाय 2L फॉर एन ओपन ऑर्गन पाइप, ओके, या फिर यू कैन से फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सही है, ओके, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हुआ। अगला आप कीजिए ट्राई, कौन सा, सेकंड हार्मोनिक के लिए, और कौन सा, सेकंड हार्मोनिक के लिए ट्राई कीजिए। सेकंड हार्मोनिक में क्या करेंगे, एक लूप और बढ़ा दें, बढ़ा देते हैं चलिए। क्या हो जाएगा कि वही एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, ये लो। अब क्या कहते हैं, अब ये कहते हैं कि यहाँ तो एंटीनोड, ये हो गया नोड, ये फिर से एंटीनोड, ये आपका नोड हो गया और ये एंटीनोड। तो देखो क्या जाएगा, ये डिस्टेंस कितना, लेमडा बाय 4, ये भी कितना, लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4, कितनी बार, चार बार, चार बार है। तो लेमडा इज इक्वल टू एल, डिजंट इट, यस इट इज, यस इट इज, यानी कि 4 लेमडा बाय 4 इज इक्वल टू एल। मैं चार से चार नहीं काट रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हार्मोनिक्स में अगर काट दिया तो फिर आपको रिजल्ट दिखना आसान नहीं होगा, इसलिए नहीं काट रहे। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वी बाय लेमडा 4 एल बाय 4। मुझे फंडामेंटल को दिखाना है, यहाँ पर क्या करूँगा, ऐसा कर दें कि 4V अपॉन 2 इंटू 2L, सही ना, ऐसा लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2L 4L आएगा, 2 टू जा 4, यानी कि नाउ वी गेट इट, 2V अपॉन 2L, सही ना। तो इसे लिखेंगे, ये क्या आ गया अपना,
फर्स्ट ओवरटोन और यू कैन से सेकंड हार्मोनिक टू वी अपॉन टू एल दैट इज द फर्स्ट ओवरटोन. तो जिसने स्टेशनरी वेव पढ़ा है मजे से उसके लिए तो टॉपिक कुछ भी नहीं है, घटिया टॉपिक हो गया उसके लिए. अगला क्या आना चाहिए बताइए, कितना लूप था, एक था बीच में, मतलब एक दो तीन नोट थे ना, एक चार नोट ले आएंगे अगले में. ओके देखा था, तो ये अपना ओपन ऑर्गन ट्यूब, क्या करें ये ऐसा किया जाए, ये लो बढ़ा देते हैं थोड़ा. डायग्राम की सुंदरता में कोई कंजूसी नहीं आनी चाहिए, इसको देखते हुए मैंने ठीक डायग्राम बनाया है. ये एंटीनोड, ये नोड, ये एंटीनोड, ये फिर से नोड, ये एंटीनोड, ये फिर से नोड, ये एंटीनोड. अब बताओ क्या जाएगा, लैम्डा बाय फोर, फोर फोर कितने, फोर एक दो तीन चार पाँच छ, सिक्स है ना, यानी कि इट्स सिक्स टाइम्स लैम्डा बाय फोर इज इक्वल टू एल. ओके सो लैम्डा इक्वल टू फोर एल अपॉन सिक्स. इसे चाहे तो आप काट सकते हैं, इसे अपने आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टू एल का टर्म बचा रहेगा, वही हमें चाहिए होता है. ओके तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा टू एल मल्टीप्लाइड बाय थ्री. नाउ यू गेट द पॉइंट, इट्स ए थर्ड ओवर टोन, थ्री वी अपॉन टू एल, करेक्ट. तो ये थर्ड ओवर टोन हो गया, थर्ड हो गया या कौन सा हो गया, थर्ड होना चाहिए. लैम्डा इक्वल टू, चलिए इसे बिना काट के देखते हैं, हो सकता है कुछ मिस्टेक किया है. लैम्डा इक्वल टू क्या जाएगा, फोर एल अपॉन सिक्स, नहीं काटते इसे देखो, हो सकता कुछ हार्मोनिक मिस हो गए हैं. लैम्डा इक्वल टू फोर एल बाय सिक्स, एफ इक्वल टू क्या जाएगा, वी बाय लैम्डा, लैम्डा कितना, फोर एल अपॉन सिक्स. तो ये कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी सिक्स वी अपॉन टू इंटू टू एल. अच्छा हाँ सही तो आया भाई, सही आया, वही सही था, मुझे लगा गलत आ गया. तो इट्स ए सेकेंड ओवर टोन, थ्री इंटू वी अपॉन टू एल. ओके सही आया, चलिए सो एफ टू इज इक्वल टू थ्री वी अपॉन टू एल. तो इट्स ए सेकेंड ओवर टोन. क्या करेंगे अब ये करो, चेक करो रिजल्ट. देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 इंटू वी बाय टू एल, इट्स ए फर्स्ट हार्मोनिक और यू कैन से फंडामेंटल, करेक्ट. अगला 2 से मल्टीप्लाई हुआ है फंडामेंटल, तो ये सेकंड हार्मोनिक और यू कैन से फर्स्ट फर्स्ट ओवरटोन. ओके 3 इंटू फंडामेंटल, ये थर्ड हार्मोनिक और ये सेकंड ओवरटोन. ओवरटोन एक कम होता है हार्मोनिक से, है ना, जो हम स्टैंडिंग वेव पढ़ चुके हैं उसकी कटना हमें नहीं करनी है कंसिडर. मुद्दा ये है, क्या कोई हार्मोनिक्स अब्सेंट है क्या, नहीं, पहला हार्मोनिक, दूसरा हार्मोनिक, तीसरा हार्मोनिक, ऑल्स आर प्रेजेंट और टू बी कंटिन्यूस, हमेशा आएंगे, ठीक है ना. सो ओपन ऑर्गन पाइप की खास बात, ओपन ऑर्गन पाइप की खास बात क्या, ऑल दी हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन ओपन ऑर्गन पाइप्स. ऑल दी ऑर्गन, ऑल दी हार्मोनिक्स are present in an open organ pipe. जबकि ध्यान दो, नींद नहीं लेना है, जबकि क्या होता है, होता यह है कि closed organ pipe में, whereas in closed organ pipe
ऑल द इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट, इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट। चलिए ऐसा है तो ऐसा है तो है, इवन हार्मोनिक्स क्या है? एब्सेंट है। तो बताओ ज्यादा अच्छा म्यूजिक कौन देगा, ओपन या क्लोज? ओपन देगा क्योंकि उसमें सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। सो ओपन ऑर्गन पाइप आर रिचर इन साउंड विथ रेस्पेक्ट टू क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स। ओके, ओपन ऑर्गन पाइप्स आर रिचर, आर रिच इन साउंड, इन साउंड देन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओके, ये लिख लीजिए। अब हम कुछ सवालात करेंगे, दो तीन छोटे छोटे, है ना। ये तीन सवाल लिखे हैं और आज का ये अंतिम दौर, पहला, सेकंड, दूसरा, तीसरा, जो भी। तो पहला हम करेंगे एन ओपन ऑर्गन पाइप। एक ओपन ऑर्गन पाइप की बात हो रही है, तो ओपन ऑर्गन पाइप कुछ ऐसा होगा, सही है? हैज ए फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ 330 हर्ट्ज। तो इसका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी दिया है 330 हर्ट्ज। अब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला अपने लिए क्या होता है याद कर लेते हैं, है ना, आसान सी बात है। एक बार ऐसे घुमा दो, एक बार ऐसे घुमा दो। नोड, एंटीनोड, एंटीनोड क्या था? लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 यानी कि लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा इक्वल टू 2L, यानी कि क्या है? इट्स V अपॉन 2L इज इक्वल टू 330 हर्ट्ज, ऐसा ना। उसका कहना है द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जिसका जो फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हैव द सेम फ्रिक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ दिस ओपन पाइप। ओपन पाइप का जो फर्स्ट ओवरटोन है दैट इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अगर ऐसा है तो हाउ लॉन्ग इज ईच पाइप। तो ये ओपन है तो इसकी लेंथ मैं एल नॉट कह देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एल नॉट मतलब एल ओपन, ओ फॉर ओपन, ओपन पाइप। चलिए वी कितना दिया है? वी इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मीडियम, इट इज गिवन 330। ओके, सो व्हाट विल बी एल नॉट? एल ओपन इज इक्वल टू वी अपॉन 2 इंटू 330। इसको इधर भेज दिया ना, वी का वैल्यू भी दिया 330, खत्म। तो एल नॉट आ गया कितना, 1/2 यानी कि 0.5 मीटर, और यू कैन से 50 सेंटीमीटर, करेक्ट। चलिए ये तो फॉर्मूला आ गया अपने पास। अब हम क्या करते हैं, इसने कहा है अगला कि फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए ओपन ऑर्गन पाइप, देन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ईच पाइप। तो ओपन की तो हम फाइंड कर चुके, किसकी फाइंड करनी, केवल क्लोज की। तो क्लोज की फाइंड करने के लिए देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है क्लोज किस फॉर्मूले से होना चाहिए? F1 फर्स्ट ओवरटोन फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्या होता है? 3V upon 4L, L C, C closed, ठीक है। एंड F1 ओपन कितना, फर्स्ट ओवरटोन कितना आ जाएगा? इट्स कम्स आउट टू बी 3V upon 2L, है ना। L1 कितना आ जाएगा भाई? L1 इसका ओपन में सारे रहते हैं ना, ओपन में सारे रहते हैं, तो इट्स 2V upon 2L, L ओपन। ओके, तो क्या करें, क्या करें, कुछ नहीं, ये 2 से 2 कटा, V से V कटा, तो LC, इट कम्स आउट टू बी 3/4 इंटू एल नॉट इज इक्वल टू LC। तो LC इज इक्वल टू 3/4 इंटू एल नॉट कितना, 50 ना, कितना आ जाएगा भाई, 150 upon 4, 4 3 12 12 3 बचेगा, इट कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली कितना आएगा बता देते हैं आपको, एग्जैक्टली इट कम्स आउट टू बी 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 37.5 सेंटीमीटर। चलिए तो आ गया एल क्लोज और एल ओपन दोनों हमने निकाल लिए। अगला करते हैं, अगला
चलो कैमरा बढ़िया चल रहा है। कैमरे का ही डर रहता है मुझे कि बंद हो गया तो फिर से मुझे बनाना पड़ता है ना। टू एडजेसेंट नेचुरल, ये नेचुरल लिखा है, नेचुरल फ्रिक्वेंसीज ऑफ एन ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप दिया, ये नहीं दिया है कि ओपन है क्लोज, ठीक है ना। और आर फॉर्म टू बी 550 हर्ट्ज एंड 650 हर्ट्ज, ओके, एंड कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ दिस पाइप, ओके। तो क्या करते हैं, ऑफ एन ऑर्गन पाइप क्वेश्चन में, जी हाँ ये ऑर्गन पाइप ही दिया है, चलिए मुझे लगा ओपन या क्लोज दिया होना चाहिए। तो दो एडजेसेंट है तो क्या करें, पहली फ्रिक्वेंसी अगर मैं F1 मानूंगा तो दूसरी क्या मानूंगा, F2, क्योंकि एडजेसेंट उसने कहा है, टू एडजेसेंट फ्रिक्वेंसीज। तो अब मुझे नहीं पता ना पहली वन है या टू है, ऐसा भी तो कह सकता हूँ भाई 4 और 5 ले लो, ये क्यों लिया, तो ये भी नहीं ले सकता मैं, ये भी नहीं ले सकता, क्या करूँगा, एनी टू कंटिन्यूस, तो Fn एंड Fn प्लस वन, ओके। तो उसने कहा कि दोनों का वैल्यू दिया है, तो Fn मान लेते हैं कितना, पहले वाला 550 हर्ट्ज और Fn प्लस वन कितना 650 हर्ट्ज, मतलब फ्रिक्वेंसी से हम पता लगाएंगे ये ओपन पाइप था या क्लोज, कैसे देखिए, Fn अपॉन Fn प्लस वन, रेशियो निकाला यू ही, देखिए क्या आता, 50 या फिर देखो 550 है ना, 650, 0 से 0 कटा क्या जाएगा, 11 इंटू 5 65, या फिर और बढ़िया से लिख दें इसे, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं 650, 11 इंटू 50 अपॉन कितना आ जाएगा 13 इंटू 50, कैंसिल, कितना आ गया 11/13, सही, हाँ ये तो आया सही है। तो क्या करें, इसका ये आया तो इसका ये करो कि Fn अपॉन Fn प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 11/13, यानी कि पहली जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज द व्हाट 11th हार्मोनिक, और दूसरी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या है 13th हार्मोनिक, सही, यानी कि 12th मिस, 12th क्या है, मिसिंग है। तो मिस किस में होती है, मतलब किस में अब्सेंट रहती है हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज, क्लोज में, यानी कि जो पाइप दिया वो कैसा है, इट्स ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इट्स ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओके। सो गिवन फ्रीक्वेंसीज आर, गिवन फ्रीक्वेंसीज आर 11th एंड 13th हार्मोनिक्स, मीन्स 12th इज अब्सेंट, क्योंकि 12th इनके आना चाहिए, 12th आना चाहिए भाई कंटिन्यूस में, है कि नहीं, जब 12th नहीं है तभी तो डायरेक्ट 11th के बाद क्या आया 13 आया, सो 12th इज अब्सेंट, मीन्स गिवन पाइप इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सो गिवन पाइप इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो देखिए केवल फ्रीक्वेंसी देख करके हमने ये पता लगा लिया पाइप क्लोज है या ओपन है, इतना ज्ञानी कौन हो सकता है, आप ही लोग हो सकते हैं। चलिए नाउ कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ दिस पाइप। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे करें, देखिए कैलकुलेट कर ली हमने, आपको दिख नहीं रही है, बस फर्क इतना है क्या, देखिए एफ एन जो है वो क्या है 550 और एफ एन प्लस वन कितना 650, इसे अभी लिखा था 11 इंटू 50, इसे क्या लिखा था 13 इंटू 50, सही ना, तभी 50 से 50 काट दिया, 11 और 13 बचा था। 11th हार्मोनिक है, इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय फंडामेंटल, फंडामेंटल से ही तो मल्टीप्लाई होती है, कौन हार्मोनिक्स, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना 50 हर्ट्ज, यहां पर भी देख लो फंडामेंटल कितना है 50 हर्ट्ज, क्योंकि हार्मोनिक क्या है 13। चलिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में निकाल ले लेंथ ऑफ पाइप, कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ पाइप निकालने के लिए हम जानते हैं कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है क्या होता है, इट्स v upon 4l। चलिए तो फंडामेंटल कितना है 50 है, v कितना दिया 350 अपॉन 4l, तो ये l c हो जाएगा, यानी कि क्लोज्ड पाइप का लेंथ, तो आपका आंसर, ठीक है आंसर आएगा आपका कितना
1.75 मीटर, 1.75 मीटर लिख लीजिए इसे। फिर अंतिम सवाल करते हैं आज का, जो मैंने ऊपर लिखा है। ओके, अगला सवाल अपना एससी वर्मा से, उसका एक डाटा मिस लिखा नहीं है, डाटा लिखवा देता हूँ। तो ये हुआ लिख करके, जी हाँ लिख करके हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट है, इसके बाद नहीं करवाएंगे, आप कह भी दें तब भी नहीं करवाएंगे। अगला सवाल अगले लेक्चर में होगा। An air column is constructed by fitting movable piston in a long cylindrical tube. तो एक long cylindrical tube है, okay? और इसके अंदर हमने हवा का एक कॉलम बनाया है। कॉलम मीन्स हवा है, एयर कॉलम है। इज कंस्ट्रक्टेड बाई फिटिंग ए मूवेबल पिस्टन इन लॉन्ग सिलेंडर, तो कहीं ना कहीं पिस्टन है। अब यहाँ यहाँ कैसे देखते हैं। एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर सेंट इन द ट्यूब बाई ट्यूनिंग फोर कॉफी फ्रिक्वेंसी। तो ये कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं इधर अपने पास ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है ना। तो ट्यूनिंग फोर्क मीन्स आप समझ रहे हैं कि ये ऐसा है ना, ये ट्यूनिंग फोर्क है। तो यहाँ पर हमने वाइब्रेट करके रख दिया तो साउंड जनरेट होगी, वेव जनरेट होगी, विंड जनरेट होगी, वो अंदर जाएगी, मतलब एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवाएगा, ठीक है ना। वाइब्रेट करवाया तो अगर अगर ट्यूनिंग फोर्क मैंने इधर ले लिया है तो दूसरी तरफ क्या ले लेंगे, पिस्टन ले लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पिस्टन है, मूवेबल है ये, तो उसका काम केवल एयर कॉलम्स में वाइब्रेशन सेट करना है ट्यूनिंग फोर का। उसने कहा है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर सेंट इन ट्यूब बाय ए ट्यूनिंग फोर्क। लॉन्गिट्यूडनल वेव ये भेज रहा है ऑफ ए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिया है 416 हर्ट्ज। ओके, हाउ फार फ्रॉम द ओपन एंड, तो अब ये ओपन एंड हो गया क्योंकि यहां तो पिस्टन है। फ्रॉम एन ओपन एंड शुड द पिस्टन, तो इट्स ए ओपन एंड। हाउ फार फ्रॉम द ओपन एंड शुड द पिस्टन बी, पिस्टन कहां होना चाहिए, सो डेट द एयर कॉलम इन ट्यूब में वाइब्रेट इन फर्स्ट ओवर टोन। तो देखिए ये एक तरफ से ओपन, एक तरफ से क्लोज। तो सबसे पहले बताओ ये कैसा पाइप बन गया, ये बन गया है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सही है। इसमें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सबसे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनती थी कब, ये ऐसा, ये तरफ एक तरफ नोड, एक तरफ एंटी नोड, करेक्ट। अब इसने कहा कि फर्स्ट ओवर टोन लेकर आओ, तो फर्स्ट ओवर टोन लेकर आते हैं ये लो, ये तो नोड रहेगा ही, एंटी नोड रहेगा ही, बीच में क्या ले आएंगे, एक नोड और ले आएंगे, ये लो। वही काम यहां करना है। उसने कहा कि क्लोज जहां पर वो तो क्या होगा भाई, नोड होगा, ऐसे देखो क्लोज जहां पर वो तो नोड हो गया। अब चलो इसको देखो, इसको नोड बनाते हैं, एंटी नोड, ठीक है। ये देखिए अब कैसा लग रहा है, फर्स्ट ओवर टोन होगा कि नहीं होगा, यस इट्स नोड, ये एंटी नोड, ये अगेन नोड और ये एंटी नोड, बन गया काम, क्या करें। अब इसने कहा है फर्स्ट ओवर टोन में वाइब्रेट करवाना है, उसके लिए ये लेंथ कितना होना चाहिए, यही पूछा ना। हाउ फार फ्रॉम द ओपन एंड शुड द पिस्टन बी सो दैट द, ऐसा काम हो जाए। तो ये लेंथ हमें फाइंड करना है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, ये और ये फिर से लैम्डा बाय 4, टोटल कितना हो गया 3 लैम्डा बाय 4, और यही इक्वल है किसके, एल के। यानी कि एल अगर फाइंड करना है तो लैम्डा चाहिए, सही ना, एल अगर फाइंड करना है तो लैम्डा चाहिए। इसमें एक डाटा और भी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्वेश्चन में ही गिवन है, कितना दिया है 333 मीटर पर सेकेंड, लेट मी कन्फर्म, 333 मीटर पर सेकेंड, यस यही दिया, ओके। तो अब मुझे लेंथ अगर निकालना है तो लैम्डा चाहिए, और लैम्डा निकालने के लिए मुझे एक वेलोसिटी दी है और एक फ्रीक्वेंसी, क्या करें, बस हो गया काम खत्म, क्या
v इक्वल टू क्या होता है एफ लेमडा, लेमडा निकालना है तो लेमडा इक्वल टू v बाई एफ, v कितना 333 अपॉन एफ कितना 416, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू कितना आएगा कैलकुलेट करके मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इट कम्स आउट टू बी 0.8 मीटर, इट कम्स आउट टू बी 0.8 मीटर, ये यहाँ पुट करना और आपका आंसर ओके जी हाँ 0.800 लिखा है इसमें, तो ये लीजिए तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा, आसान ही था वैसे है ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं, कैलकुलेशन आपके जिम्मे पर। इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ओके टाटा, मजे कीजिए, पढ़ाई कीजिए।